सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सिंगनाथ गुगलू के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या इसका कंपोजिशन है, कैसे इसको बनाया जाता है, किस किस द्रव्य से इसको मिलाकर बनाया जाता है, क्या इसके गुण हैं, कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, बैद्यनाथ का है सिंगनाथ गुगलू। ये सिंगनाथ गुगलू जो है बैद्यनाथ कंपनी की तरफ से आता है और इसका जो रेट है वो अभी जो फ़िलहाल का रेट है 167 रुपये है, जो कि समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। और ये 80 टैबलेट में आता है, 80 गोली का ये पैकिंग है। इसमें लगभग 30 ग्राम इसमें वजन है और ये 80 इसमें 30 ग्राम में 80 टैबलेट बनाई गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसमें कौन कौन से औषधियों के मिश्रण से इसको तैयार किया गया है। इसमें त्रिफला चूर्ण है 11.25 तोला, शुद्ध गंधक 1.25 तोला, शुद्ध गुगल 3.25 तोला, एरंड तेल 1 तोला। इन सभी औषधियों को सबसे पहले तो बारीक चूर्ण करके कपड़ छान कर लिया जाता है। उसके बाद जो है इसमें त्रिफला चूर्ण को, शुद्ध गंधक, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर उसमें एरंड तेल मिलाकर इसके पश्चात जो है गुगल को गर्म पानी में घोलकर छानकर इन सभी को, जितने भी ये द्रव्य हैं, इन सबको मिलाकर जो समान मात्रा में ये जो समान है हमने अभी बताया है, इन सभी को जो है मिलाकर उसमें इमाम जस्ते में डालकर इसको कूटा जाता है। और कूटने के बाद जब इसकी खूब अच्छी तरीके से इसकी कुटाई हो जाती है और तब इसमें जो है उतना ही गुगल मिलाया जाता है। इसमें जितनी अधिक कुटाई इसकी होगी गुगल उतना ही अच्छा बनेगा। और इसकी जब कुटाई अच्छी तरीके से हो जाती है तब इसमें 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर रख ली जाती है और इसको छाया में सुखा लिया जाता है। यह आपका सिंगनाथ गुगल तैयार हो चुका है। बहुत आसान है इसको बनाना, लेकिन फिर भी आप इसको मेडिकल स्टोर से अगर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी और आपको अच्छी तरीके से इसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप जो घर पर बनाते हैं हो सकता है आप इतना अच्छे तरीके से ना बना पाएं। तो चलिए जान लेते हैं इसके गुणों के बारे में। दोस्तों, ये जो सिंगनाथ गुगल है इसका विशेष रूप से प्रयोग जो किया जाता है वो वात रक्त रोगों में किया जाता है, गुल्म जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, शूल रोगों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, उदर रोगों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी ये कुष्ठ रोगों को और कठिन से कठिन आमवात रोगों को बहुत जल्दी दूर करता है। इसके नियमित रूप से इस गुगल का व्यवहार अगर करते हैं तो आमवात को ये पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, पक्षाघात को यह नष्ट कर सकता है और इसके साथ साथ संधिवात में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। इसका प्रयोग विशेष रूप से आमवात रोगों के लिए ही किया जाता है और ये आमवात रोगों की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसके साथ साथ ये जोड़ों के दर्द में काम करता है, गठिया रोगों में काम करता है और जो है दर्द जो मांसपेशियों में होता है उसमें भी इसको लिया जाता है। और ये हड्डियों के दर्द में तो काम करता ही है, बहुत सारे दर्दों में काम करता है। आप इसका देख सकते हैं 167 रुपये इसकी MRP है। इसमें इसकी अगर मात्रा की बात करें तो एक एक गोली इसमें सुबह शाम लेनी होती है गर्म जल के साथ में, वैसे इसको दूध के साथ भी लिया जा सकता है। ये आप अपने डॉक्टर से, वैद्य से सलाह करके इसके साथ किसके साथ लेना है या इसके साथ कौन सा और अनुपान लगाना चाहिए ये आप उनसे जानकारी करके तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी औषधि है, गूगल जितने भी होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा और लंबे समय तक होने वाला होता है। इसमें आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
और ऐसी और जानकारी देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।